इंदौर में गुरुवार को कलेक्टर कार्यालय में हजारों की संख्या में पटवारी भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर हजारों की तादाद में छात्र कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां पर छात्रों का कहना था कि पटवारी भर्ती में गड़बड़ी को लेकर उन्होंने कई बार शासन प्रशासन को चेताना, लेकिन शासन प्रशासन ने उनकी नहीं सुनी। जिसके बाद गुरुवार को उन्होंने कलेक्टर ऑफिस का घेराव किया। घेराव के दौरान कई किलोमीटर लंबा जाम लगा और कई घंटों तक परीक्षार्थियों द्वारा पूरे मामले को लेकर सीबीआई जांच की मांग भी की गई। वहीं मामले को लेकर विद्यार्थियों ने सीबीआई जांच करने की मांग भी की। दरअसल छात्रों द्वारा यह ज्ञापन और धरना प्रदर्शन पटवारी ग्रुप 2 व सब ग्रुप 4 एग्जाम के जो टॉप 10 लिस्ट बनाई, परीक्षार्थियों का कहना था कि जिस प्रकार परीक्षा में टॉप 10 में से 7 छात्र ग्वालियर के एनआरआई कॉलेज में है, वहीं 9000 अभ्यर्थियों में से अधिकतर चयनित अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र के कॉलेज के थे। अभ्यर्थियों का यह भी आरोप था कि टॉपर के अधिकतर हस्ताक्षर हिंदी में है और एक ही परीक्षा केंद्र में इतनी टॉपर आना घोटाला ही है। और सभी विद्यार्थियों का यह कहना था कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच करना चाहिए। सबसे दिलचस्प बात यह है कि संयुक्त परीक्षा केंद्र के इतने कठिन पेपर में अन्य परीक्षा केंद्रों में से जहां अभ्यर्थी 140 नंबर नहीं ला पा रहे थे, कथित तौर पर एनआरआई कॉलेज ग्वालियर में इस केंद्र में अभ्यर्थियों ने 188 अंक हासिल करे, जो एक बड़ा परीक्षा परिणाम घोटाला साबित हो रहा है। रोल बड़ा देखने को आया है जी। नीचे वजह रही है, देखिए अभी पटवारी की वैकेंसी निकली थी करीबन 9000, और उस 9000 वैकेंसी में से अभी उसका रिजल्ट आया, और रिजल्ट आने के बाद ही ये पूरी जो घटनाएं वो चालू हुई है, क्योंकि टॉप 10 की लिस्ट ESB के द्वारा जारी की गई और उस टॉप 10 में 7 विद्यार्थी केवल एक ही कॉलेज से सिलेक्ट हुए हैं, और उनमें बहुत सारी समानता है, उनके रोल नंबर भी काफ़ी पास हैं, उनके सिग्नेचर भी काफ़ी कुछ मैच करते हैं, सब ने हिंदी में साइन करे, और हिंदी में साइन करने के बावजूद उनके मार्क्स इंग्लिश में बहुत अच्छे आए। कई सारे ऐसे आंसर्स जो पेपर में ही गलत थे, तो टॉपर्स को पहले से पता था कि उसका सही आंसर विभाग द्वारा क्या किया जा रहा है, तो वही आंसर टॉपर्स ने वहाँ पर चूज़ कराए। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें उसमें पकड़ में आ रही हैं जो कि एक फर्जी वाड़े को इंगित करती है। तो सारे विद्यार्थियों की यही मांग है कि इसमें जो भी अगर गड़बड़ हुआ है, क्योंकि सारे टॉपर्स एक ही कॉलेज से हैं, टॉप 10 में अगर 7 विद्यार्थी चयनित होते हैं और सारे के सारे एक ही कॉलेज से अगर सिलेक्ट होते हैं, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। तो विद्यार्थियों कॉलेज का नाम है NRI कॉलेज, जो ग्वालियर में है, और उसमें यह भी बताया गया कि वो हमारे शायद किसी विधायक जी का ही कॉलेज है, और सारे विद्यार्थियों की यही मांग है, इसीलिए आज सारे विद्यार्थी भी यहाँ पे आए, सारे कोचिंग सारे शिक्षक भी आज यहाँ पे इकट्ठे हुए, कलेक्टर सर से भी हम यहाँ पे मिले हैं और उन्हें भी सारी चीज़ों के बारे में बताया है, और सभी विद्यार्थियों को बस इसमें यही मांग है कि इसमें निष्पक्ष रूप से जाँच होनी चाहिए कि अगर इस प्रकार की कोई गड़बड़ी हुई है, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है। इसके पहले भी कृषि की एक वैकेंसी आई थी, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, उसमें भी इस प्रकार की भर्तियों में गड़बड़ी हुई थी। विद्यार्थियों ने जब इसको उजागर किया तो फिर उस भर्ती को ही कैंसिल करना पड़ा। साहब क्या बोले सर ने अभी इस चीज़ को समझा है, और उन्होंने इस चीज़ की आश्वस्त किया है कि इसको ऊपर जो भी संबंधित लोग होंगे उन तक पहुंचाएंगे और जो भी कार्रवाई होगी वो करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम है आदित्य पटेल, मैं हूँ संचालक विनर्स स्टेट। पटवारी परीक्षा के लेकर ना इन लोगों ने ज्ञापन दिए है, हम लोगों ने ट्रॉफर ज्ञापन दिया है, इन लोगों के साथ ना बैठकर बात भी की है, एंड उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि तो बड़ी संख्या में छात्र अभी भी जमा है, उनको कोई समझाई दी गई कि वापस लौटे शांतिपूर्वक? डेफिनेटली अभी हमारे ना SDM ADM से ना दोनों जाके ना प्रॉपरली उनसे बात भी किया, समझाई दी दिया, उसके बाद मैंने भी है ना स्टूडेंट्स के साथ ना बाइट करके भी है ना मैंने पूरी चीज़ें ना समझा। सर किस तरह की उनकी समस्या है, मतलब सर क्या चाहते हैं करने का आइडिया? उनकी ना कहना है कि क्या है कि मतलब टॉपर्स के लिए ना परीक्षा के लिए ना कुछ भी संदेह है, उन्होंने ज्ञापन में लिखा है, तो हमने ये आश्वासन दिया निश्चित ही ना हम लोग के ना इसको ना मतलब ना एक्सप्लेन। शुक्रिया।